नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 और 28 जनवरी के आपके राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी यश में बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ अब बात करते हैं यश में ग्रहों की तिथि कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीजों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन्हें दो दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसे उत्पन्न होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो निवेदन है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, पहले जानते हैं इन दोनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, तिथि और योगों के बारे में। दोस्तों, 27 जनवरी की बात करें तो इस दिन बुधवार का दिन रहेगा और शुक्र पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। दोस्तों, इस दिन पुनर्वसु नाम का नक्षत्र रहेगा जो कि काफ़ी अच्छे आप सभी के लिए रहने वाले हैं। दोस्तों, इस दिन बता दें विष कुंभ नाम के योग के बाद इस दिन जो है प्रीति नामक शुभ योग प्रारंभ होगा। जी हाँ दोस्तों, यह प्रीति नामक योग भी आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपके कार्य क्षेत्र और आपके घर के माहौल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और भाग्यशाली रहने वाले हैं। यश में आपको इनमें लाभ देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इन दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर के 12:39 से लेकर दोपहर के 2:01 तक। यह राहु काल के समय में आप कोई भी शुभ कार्यों को ना करें। इसके उपरांत दोस्तों, इन दिन चंद्रमा जो है मिथुन राशि को उपरांत कर्क राशि में संचार करेंगे। दोस्तों, अगले दिन की बात करें 28 जनवरी की, तो दोस्तों ये दिन गुरुवार का दिन रहेगा और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी। जी हाँ दोस्तों, यह पूर्णिमा तिथि आप सभी के जीवन में बहुत सारी सफलताओं को लेकर आने वाले हैं, बहुत सारी कामयाबी को लेकर आने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, इस दिन पुष्य नाम का नक्षत्र भी रहेगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और दोस्तों, इन दिन राहुकाल का समय रहेगा दोपहर के 2:01 से लेकर शाम के 3:23 तक और चंद्रमा इस दिन कर्क राशि पर ही संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इन दो दिनों की ये जो ग्रह नक्षत्रों की तिथि है, तिथि और योगों को मिलाकर आपकी राशि पर इनका क्या प्रभाव होता है, आइए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यश में कुटुंब में पैतृक संपत्ति को लेकर कोई बड़ा निर्णय हो सकता है। आपके अंदर ज्ञान की प्रतिभा आपको आगे बढ़ने में मददगार साबित करेगा। दोस्तों, आप अपनी बात के पक्के रहेंगे और एक अनुशासित व्यक्ति भी यश में बन सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने विचारों को आसानी से नहीं बदलेंगे। वहीं दोस्तों, यश में नेगेटिव की बात करें तो बड़े भाई बहनों को लेकर कोई समस्या सामने आ सकती है, लेकिन आपसी बातचीत से उसका हल भी निकल सकता है। हालांकि दोस्तों, यश में आपकी इस खुशी को किसी की नज़र लग सकती है, क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप परिवार में समस्या पैदा करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए दोस्तों आप ऐसे लोगों से इन दिनों सावधान रहें। दोस्तों, यश में का दिन सामाजिक, पारिवारिक और निजी मामलों में मेल मुलाकात का दिन रहेगा। कुछ लोगों से मुलाकात आपके भविष्य के लिए कुछ सुनहरे अवसर पैदा कर सकती है। आपको महत्वपूर्ण लोगों के लिए समय निकालना पड़ेगा और आपके रिश्तों के लिए समय तो आवश्यक है। दोस्तों, किसी मामले में आपको सकारात्मक जवाब भी मिल सकता है। वाहन चलाते समय या फिर दोस्तों प्लेग्राउंड में आपको विशेष सावधानी यश में रखनी पड़ सकती है। वही दोस्तों, करियर की अगर बात करें तो आपका दिन अच्छा रहेगा, क्योंकि आप नए लोगों से काम के सिलसिले में मिलेंगे जो आपके विकास को योगदान देगा। दोस्तों, यश में आप कुछ घरेलू मामलों में तल्लीन हो सकते हैं और उसी के कारण आप अपने पेशेवर काम पर भी ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो राशि पर भविष्यवाणी करता है कि दोस्तों जोड़ों के बीच संगतता अच्छी होनी चाहिए और इस समय ढेर सारा प्यार होने की संभावना भी है। दोस्तों, एकल लोगों को कई सहयोगियों के साथ मिलने जुलने की कोशिश करनी चाहिए और फिर से उन्हें कोई विशेष व्यक्ति भी मिल सकता है। वही दोस्तों, यह समय आपका प्रेमी आपको विशेष महसूस कराना चाहता है, उन्हें अपना प्यार और देखभाल दें। यह समय आपका पीठ में चोट लग सकता है, वाहन चलाते समय आप यश में सावधान रहें। आपको शराब और जंक फूड के सेवन से बचना चाहिए। दोस्तों, यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा केसरी और भाग्यशाली अंक रहेगा 7। तो
दोस्तों इन दिनों में आपको राज पवित्र अधिकारियों को प्रमोशन मिल सकता है। अपने अधिकारी की नाराजगी झेलनी भी आपको पड़ सकती है। सांस संबंधी यश में समस्या होगी। दोस्तों यश में आप इन कष्टों को दूर करने के लिए आप नारायण कवच का पाठ करें, इससे आपका यह कष्ट जो है दूर होंगे। दोस्तों यश में समाज में अपना अग्रिम स्थान बनाने के लिए आप प्रयत्नशील रहेंगे, आप मेहनत करेंगे। आप दोस्तों यश में अपने स्वरूप और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण आप लोगों में चाहत प्राप्त कर सकते हैं। गणेश जी आपके लिए सफलतापूर्ण दिन चाहते हैं। दोस्तों तो ये समय आप अच्छे और सच्चे पेशेवर की तरह काम संभालेंगे। गणेश जी कहते हैं कि आपको अपने काम में ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वहीं दोस्तों काम में सटीकता और ईमानदारी आपका ध्यान आकर्षित करेगी। लेकिन दोस्तों यश में आप सावधान रहें, क्योंकि ईमेल संचार के माध्यम से गलतफहमी हो सकती है। दोस्तों यश में कुछ घरेलू जिम्मेदारी ध्यान देने की मांग कर सकती है। गणेश जी कहते हैं कि आज आप सावधान रहें और अपने पीर का समर्थन करना सीखें, क्योंकि दोस्तों उसे आपकी मदद की जरूरत होगी। संयुक्त निर्णय या फिर वित्तीय योजना आज के दिन आपके दिमाग में रहेगी। आपको सावधानीपूर्वक विचार के बाद अंतिम निर्णय पर जाना चाहिए। दोस्तों यह समय गणेश जी को लगता है कि वित्तीय मामलों में यानी पैसे के मामलों में आपके लिए ये दिन दोस्तों के सर्कल में लोगों का मार्गदर्शन करने में आप सक्षम होंगे। वे आपकी सलाह पर विश्वास करेंगे और लाभान्वित भी होंगे। आप पैसे बचाने की कला पर भी बात कर सकते हैं। दोस्तों यश में गणेश जी कहते हैं कि करियर के मोर्चे पर और आपको चिंता हो सकती है, क्योंकि आप अब तक चीज़ों को बहुत आसानी से ले रहे थे, स्वास्थ्य अच्छा लग रहा है। लेकिन दोस्तों आप कुछ पुरानी यादों से दूर हो सकते हैं। आज आप सोशल बनने के मूड में भी हो सकती हैं। सामाजिक मेल जोल से सेहत को ज़्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बीते दिनों में जितना धन आपने आज को बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्ट किया था, उसका फायदा आज आपको मिल सकता है। अपने जीवन साथी की उपलब्धियों की सराहना करें और उसकी सफलता और खुशकिस्मती का जश्न मनाएं। उदार बने और ईमानदारी से तारीफ करें। दोस्तों यश में प्यार की कली चटक कर फूल बन सकती है। कार्य क्षेत्र में आपके कामकाज की सराहना होगी। दोस्तों आज कुछ नया और सृजनात्मक करने के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों आज के दिन आपका वैवाहिक जीवन एक विशिष्ट दौर से गुजरेगा। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों यदि आपका कोई धन रुका हुआ है तो बुधवार के दिन आप एक कटोरी बासमती चावल का दान करें, इससे दोस्तों रुका हुआ धन आने लगता है। यदि घर में भी आर्थिक तंगी रहती हो, बहुत ज़्यादा कर्ज रहता हो या फिर व्यापार नहीं चल रहा हो, तो दोस्तों ऐसे में एक चमकीला लाल कपड़ा लें, उसे बिछाकर उस पर लाल चंदन का टुकड़ा, लाल गुलाब के फूल, रोली तथा 58 पेशे रखें। ऐसे आप इस कपड़े का सारे सामान बांध लें। और दोस्तों आपको बता दें कि पोटली नुमा बनाकर अपने घर की तिजोरी या फिर गले में रख दें, ऐसे दोस्तों सभी कार्य संपन्न होने लगेंगे। और साथ ही दोस्तों इस प्रयोग को आप नवरात्रि के दिन भी दोहराएं, इससे आप धनवान होते चले जाएंगे। तो दोस्तों इन उपायों को यश में आप जरूर करें, ये आपके लिए भाग्यशाली और बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। और साथ ही दोस्तों और इसी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।